सोनभद्र से अरविंद तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने लगाई पंचायत शौपी जिम्मेदारी। सोनभद्र के राबत्सगंज स्थित चतुर्वेदी धर्मशाला में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने पंचायत लगाई। वहीं किसानों को बताया कि केंद्र सरकार ने 5 बिंदुओं पर लिखित रूप से सहमति देने के बाद भी अभी इन बिंदुओं पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर आगे की रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही कई लोगों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार, इन समस्याओं को लेकर की जाने वाली विरोध सहित तमाम पद, जिनमें संयोजक की जिम्मेदारी चंद्रभूषण पांडे को सौंपी गई। इसके साथ ही कई जनपदों से भी आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सोनभद्र के रावतगंज में आज शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने किसानों की बैठक ली। वह इस बैठक में उन्होंने बताया कि महापंचायत के द्वारा किए गए आंदोलन के बाद केंद्र सरकार से 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसको देखते हुए आंदोलन को समाप्त किया गया, लेकिन सरकार के द्वारा इन बिंदुओं को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके आगे विरोध करने के लिए तैयारियों को लेकर दिल्ली में बैठक हुई है, जिसके बाद सोनभद्र में आज बैठक की गई, जिसमें सही बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति तैयार करने के लिए यह बैठक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही चंद्रभूषण पांडे को किसान मजदूर महासंघ का प्रदेश संयोजक बनाया गया है और उत्तर प्रदेश के सभी प्रांतों व जिलों के इकाइयों के गठन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिससे संगठन को और तीव्र गति दी जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने की बात तो सरकार करती है, लेकिन सरकार के ही आंकड़े हैं जिसमें किसानों की आय आधी हो गई है। दरअसल का बीज पानी की बढ़ती महंगाई के चलते किसानों की आय बढ़ना तो दूर पहले से भी आधी हो गई है। सरकार ने MSP पर कमेटी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब तक किसानों को CP+50 को ध्यान में रखते हुए MSP का रेट निर्धारित नहीं किया जाएगा, तब तक यह सब केवल जुमलेबाजी ही है। उन्होंने पूछे हुए सवाल के जवाब में बताया कि जनता के द्वारा मैंडेट दिया जाना या किसी की सरकार बनना यह अलग विषय है और किसानों की समस्याओं को लेकर लड़ना अलग विषय है। सरकार कोई भी बने, हमारा उद्देश्य किसानों की समस्या को लेकर सरकार के समक्ष रखना है, और आंदोलन का ही यह असर था कि सरकार को 5 बिंदुओं पर अपनी सहमति देनी पड़ी, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ था। आंदोलन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा 9 तारीख को जो प्रधानमंत्री हाउस से हमें एक लिखित पत्र दिया गया था 5 मांगों को लेकर, उन 5 मांगों पर सहमति बनी थी और सहमति के आधार पर हम लोगों ने आंदोलन स्थगित किया था 9 तारीख को, और उन 5 बिंदुओं पर अभी तक सरकार के द्वारा जो कार्यवाही करना वो नहीं हो रही। उसके लिए आगामी आंदोलन की रणनीति बैठ के तैयार की जा रही है। अभी हमारी SKM की 3 बैठकें दिल्ली में हो चुके हैं। उसी तारतम में हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, उसकी उत्तर प्रदेश इकाई के संयोजक आदरणीय CP पांडे जी को बनाया गया है और उन्हें उत्तर प्रदेश के सभी प्रांतों और जिलों के गठन का दायित्व भी उनको सौंपा गया। उसी संदर्भ में संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक विषयों पर आज मैं आके सारों की बैठक रखी, जिसमें विभिन्न जिलों के किसान नेताओं को आमंत्रित किया। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने 7 भागों में बांटा है, ताकि काम के दृष्टिकोण से किसानों का आवागमन सुलभ और संगठन को तीव्र गति दी जाए। कका जी, सरकार कहती है कि किसानों की आय को दोगुना करने की बात करती है, क्या लग रहा है कि किसान का, अरे सरकार का ये कहना कहाँ तक सफल लग रहा है? देखिए, जब से सरकार ने ये घोषणा की है, इसको करीब करीब 5 वर्ष में आ गए, अभी परसों के दिन राज्यसभा और लोकसभा में आंकड़े पुट अप हुए हैं, जिसमें किसानों की आय आधे से कम हो गई है। ये आंकड़े सरकार के हैं, सरकार ने जितनी ताकत से ये कहा है कि हम दूनी करेंगे, आय किसानों की आधी हो चुकी है, क्योंकि खाद महंगा है, बीज महंगा है, डीजल महंगा है, लेबर चार्ज महंगा है, तमाम चीजें की महंगाई बढ़ी हुई है। उस अनुपात में फसल के दाम MSP का रेट नहीं बढ़ा है, और अभी MSP पर गारंटी की कमेटी बनाने की सरकार ने घोषणा की थी PM ने 19 तारीख को, वह भी अभी नहीं बनी। जब तक किसानों को C2+50
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी तय नहीं होगी तब तक सारी जुमलेबाजी है, केवल लफाजी चल रही है देश में और कुछ नहीं चल रहा। मैंडेट मिल गया, अच्छा खासा बहुमत की सरकार है, फिर कहाँ देखिए कमी है, फिर सरकार जो कर रही है उसको मानना पड़ेगा, ये सरकार सही कर रही तभी जनता ने उनको मैंडेट दिया। चुनाव जीतना को अगर हम आधार मान लेंगे लोकप्रियता का या हमारे किसानों की समस्याओं, तो ये बेमानी है। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, चुनाव एक अलग विदा है, चुनाव जीतने के बहुत सत्कंडे होते हैं। जिस देश में दारू नोट जाति और धर्म के आधार पर वोट गिरता हो और टेक्निकल ढंग से चुनाव जीते जाते हो, वहां चुनाव मापदंड नहीं रह जाता। इसका अर्थ ये नहीं है, आंदोलन भी हुए, 735 किसान शहीद भी हुए, इलेक्शन हमारा विषय कभी नहीं रहा, हमारा विषय रहा है सरकार कौन की बने किसकी बने, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये है कि जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी उस अनुपात में हम उस सरकार का सहयोग करेंगे। सरकारें क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, ये सरकार का काम, हमारा काम केवल किसानों की लड़ाई है।